हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ड्यूबडी। हमारे पास एक क्वेरी बहुत ज़्यादा आई जब हम लोग पर्सनल वन ऑन वन सेशन ले रहे थे, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी वो जो है शेयर कर दिया जाए, क्योंकि आप में से भी बहुत ज़्यादा लोग जो है सेम चीज़ को लेकर के कन्फ्यूज़ होंगे। बच्चे बार बार ये पूछ रहे थे कि भैया हमारी रैंक ये आई है, इन रैंक्स के हिसाब से हम बेस्ट क्या प्रेफरेंसेस जो है अपनी सेट करें। देखिए, मैं पहले भी आप लोगों को कई बार बता चुका हूँ, भले ही आपके कुछ भी मार्क्स आए हैं या फिर कुछ भी आप लोगों की रैंक्स आई हैं, आप लोगों की जो प्रेफरेंसेस हैं वो सेम रहेंगी। मतलब टॉप कॉलेज प्लस कोर्स आप लोगों को ऊपर ही रखना है। फॉर एग्जांपल, आप अगर कॉमर्स में एडमिशन लेना चाहते हो बीकॉम ऑनर्स वगैरह में, तो आप लोगों को एसआरसीसी का बीकॉम ऑनर्स ऊपर ही रखना है, भले ही आपकी रैंक्स कुछ भी आई हो। ऐसा करने से कि आप लोगों की रैंक्स जो हैं बहुत नीचे आई हैं एंड आप किसी कॉलेज प्लस कोर्स कॉम्बिनेशन को उठा के ऊपर रख देंगे, उससे आप लोगों को जो है एडमिशन मिलने में प्रेफरेंस मिलेगी बाकी लोगों के मुकाबले, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके ऊपर मैं एक ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूँ कि कैसे आप लोगों की एलोकेशन होती है, लिंक जो है मैं कमेंट्स में पिन कर दूंगा। लेकिन आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि आपकी टॉप कॉलेज प्लस कोर्स कॉम्बिनेशन को ऊपर रखना है, उसके बाद आप लोगों को बीच में एवरेज कॉलेजेस रखने हैं, देन बिलो एवरेज कॉलेजेस, देन उससे नीचे वाले कॉलेजेस। हाँ, आप अपनी रैंक्स को देख करके एक काम ये कर सकते हैं कि जो टॉप कॉलेज प्लस कोर्स कॉम्बिनेशंस हैं वो जो है आप लोग ऊपर तो रख ही रहे हैं, लेकिन नीचे बैकअप के लिए अगर आपने किसी और प्राइवेट यूनिवर्सिटी में नहीं जाना है, आपके शहर में आपने दूसरे यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं लिया है, तो बैकअप के लिए जो है आप अदर कोर्सेज को जो आपके कोर्स से रिलेटेबल हैं, सिमिलर हैं, उनको आप ऐड कर सकते हैं। जैसे बीकॉम ऑनर्स वाले हैं वो बीकॉम प्रोग्राम को कर सकते हैं, बीए प्रोग्राम के अंदर कुछ आप लोगों के कॉम्बिनेशंस होते हैं, जैसे आप लोगों का इको प्लस मैथ हो गया, कॉमर्स प्लस मैथ्स हो गया, इंग्लिश प्लस इको हो गया, इस टाइप के बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हैं। तो आपने टॉप में मान लो बीकॉम ऑनर्स के कुछ डाल दिए, उसके बाद बीकॉम प्रोग्राम का कुछ डाल दिया, उसके बाद ये बीए प्रोग्राम वाले कुछ डाल दिए, इंग्लिश ऑनर्स वगैरह आप लोग डाल दे रहे हो, ताकि जो है आप लोगों को ऊपर वाली नहीं मिल रही है तो नीचे वाली प्रेफरेंसेस आप लोगों को मिल जाए। सेम वे में साइंस वाले बच्चों को भी मैं इसी वीडियो में बता देता हूँ कि अगर आप फिजिक्स ऑनर्स, केमिस्ट्री ऑनर्स ये डाल रहे हो, मैथमेटिक्स ऑनर्स डाल रहे हो, तो आपके पास एक ऑप्शन बीएससी फिजिकल साइंस विद केमिस्ट्री भी रहता है, इसको भी आप नीचे प्रेफरेंसेस में डाल लीजिए, अगर ऊपर वाले नहीं मिलती है तो वो अटक जाएगा। फिजिकल साइंस विद इलेक्ट्रॉनिक्स भी आपका होता है, तो ये जो फिजिकल साइंस विद इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिस्ट्री एंड कंप्यूटर साइंस भी आपका होता है, फिजिकल साइंस विद कंप्यूटर साइंस, इनके अंदर सबसे बढ़िया बात ये है कि मान लो कि फिजिकल साइंस विद केमिस्ट्री कर रहे हो, तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन जो है फिजिक्स, मैथ्स एंड केमिस्ट्री तीनों में से किसी से भी कर सकते हो। अगर आप फिजिकल साइंस विद इलेक्ट्रॉनिक्स कर रहे हो, तो अगेन तीनों में से फिजिक्स मैथ्स और आपका जो इलेक्ट्रॉनिक्स है उसके अंदर से जो है आप किसी के अंदर भी वो जो है आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हो। कंप्यूटर साइंस के साथ कर रहे हो तो फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड आपका मैथमेटिक्स किसी के अंदर भी आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हो। सो ये सीन आप लोगों का प्रोग्राम कोर्सेज का रहता है, तो इनको आप बैकअप में डालिए। जितने भी बच्चे हमारे पास आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा बच्चे जो है प्रोग्राम कोर्सेज को नहीं रख रहे हैं, अगर आप ठीक से उनको प्लेस भी कर देते हैं ना अपनी प्रेफरेंसेज में ऊपर, भले ही आर्ट्स वाले हों या फिर कॉमर्स वाले हों या फिर साइंस वाले हो, तो बहुत ज़्यादा चांसेस ये हो सकते हैं कि आप लोग जो है नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस में लैंड कर जाओगे, भले ही आप ऑनर्स वाले कोर्सेज में नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, सो ये सब अभी तक इंपॉर्टेंट हमारे पास सेशंस के अंदर आया। अगर आपको भी अपनी प्रेफरेंसेस से रिलेटेड कोई भी डाउट है, मतलब कि क्या क्या बैकअप ऑप्शंस आप रख सकते हो, बेस्ट प्रेफरेंस को रीऑर्डर कैसे करना है, थोड़ा बहुत हम लोग वो अगर आपको डाउट है तो आप हमारे पर्सनल काउंसलिंग सेशन में एनरोल कर सकते हैं। आज रात को अभी लगभग टाइम हो रहा है 12:30 बजे का, रात भर हम लोग 3 से 4 बजे तक सेशंस लेने वाले हैं। साथ ही साथ कल सुबह हम लोग सेशन लेने स्टार्ट कर देंगे 8 बजे के अराउंड, एंड हम लोग जो है रात को 6 से 7 बजे तक जो है आप लोगों के सेशंस कंटिन्यू रखेंगे। तो कोई भी डाउट होती है प्रेफरेंस सिलेक्शन से रिलेटेड, आप लोग वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो, बट कॉलेज प्रिडिक्शन के लिए वहाँ पर मत आना, क्योंकि आपके पैसे वेस्ट होंगे कि भैया मेरी रैंक 50,000 आई है मुझे हिंदू मिलेगा, 5,000 आई है हिंदू मिलेगा, इसके लिए मत आना, क्योंकि हमें भी वर्थ इट लगता है, हम आपसे पैसे लेते हैं एंड रियली में जिस चीज़ के लिए पैसे ले रहे हैं उसमें आपकी हेल्प करते हैं, प्रेफरेंसेस रीऑर्डर करवाते हैं, कुछ ऐड करवाते हैं, कुछ डिलीट करवाते हैं, उस चीज़ के लिए अगर आपको हेल्प चाहिए तभी आना, एंड प्रिडिक्शन के लिए प्लीज़ आप लोग मत आना। ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, साथ ही साथ ड्यूबडी चैनल को ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय, वीडियो को लाइक करना मत भूलना।